इस योग शिविर के में सम्मिलित होने के लिए जो लोग आए हैं, मैं सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। भारतीय राजदूतावास की तरफ से, स्वयं अपनी तरफ से आभार प्रकट करता हूँ कि आज आपके सहयोग से हम इतना बड़ा एक आयोजन कर सके 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए। जैसा कि अभी श्री पांडे जी ने कहा, 10 साल पहले 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव रखा गया था कि हर साल जून 21 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए। नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री कोइराला जी ने भी उसका समर्थन किया था और 175 से अधिक देशों ने उस प्रस्ताव को पारित किया था। उसके बाद से ही हर साल 2015 से शुरुआत हुई, जून 21 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। हमने नेपाल में इस तरह के कार्यक्रम हर साल किए हैं, पर पिछले साल से हमारे दूतावास ने यह कल्पना की थी कि नेपाल के विभिन्न शहरों में और खासतौर पर पोखरा में, जो कि नेपाल की टूरिज्म कैपिटल है और गंडकी प्रदेश का एक प्रयास है कि पोखरा को टूरिज्म कैपिटल की तरह डेवलप किया जाए। धनराज आचार्य जी का इसमें सहयोग रहा।